डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कास्केडिंग मल्टीप्लेक्सर। एक्चुअली इस वीडियो में एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं, क्योंकि एक तो कास्केडिंग मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आया हूँ, ताकि आपके दोनों चीज़ें जो है वो यहाँ पे कवर हो जाए, आपको पता लगे कि गेट के क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करते हैं। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिए तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो शेयर करके, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको 2x1 मल्टीप्लेक्सर दिख रहा है, ये दो यहाँ पे आपको 2x1 मल्टीप्लेक्सर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कास्केडिंग का मतलब क्या होता है, कास्केडिंग का मतलब होता है पास करना, मतलब पहले मल्टीप्लेक्सर ने कुछ आउटपुट दी, वो मैंने पास कर दी किसी दूसरे मल्टीप्लेक्सर में एज ए इनपुट, दूसरे की आउटपुट आई वो मैंने पास कर दी तीसरे में एज ए इनपुट, दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कास्केडिंग। तो यहाँ पे देखो आपको 2x1 मल्टीप्लेक्सर दिख रहे हैं, 0x1 क्या है, इनपुट्स हैं, जैसे हम आई नॉट आई1 लिखते हैं वही चीज। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लेक्सर में इनपुट देखो क्या जा रही है, इसमें इनपुट जा रही है इस मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट, तो यानी पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फिर उसकी आउटपुट आप इसमें दोगे। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहां पे इनपुट आपको दिख रही है एक एक्स जा रही है और एक वाई बार जा रही है, बट एक्स कब सिलेक्ट होगी, जब सिलेक्ट लाइन में हम देंगे वैल्यू जीरो, मतलब सिलेक्ट लाइन में हम क्या दे रहे हैं, जेड बार और जेड, मतलब जब हम जीरो का मतलब जेड बार, वन का मतलब जेड, तो जब हम जेड बार दे रहे हैं तो हमारी इनपुट कौन सी सिलेक्ट होगी, एक्स सिलेक्ट होगी। तो यहां पर एक तरह से इसकी जो आउटपुट क्या आ रही है, एक्स जेड बार, ठीक है, तो एक्स इंटू जेड बार, और जब मैंने जेड वैल्यू दी मतलब वन वैल्यू दी तो मेरी इनपुट क्या सिलेक्ट होगी, वाई बार, तो यहां प्लस वाई बार जेड, ये होगी आपकी एक तरह से इंटरमीडिएट, बीच में एक आउटपुट आ रही है लेकिन अभी ये फाइनल आउटपुट नहीं है क्योंकि ये एज ए इनपुट जा रही है यहां पे। अब दूसरे वाले मल्टीप्लेक्सर में हमने सिलेक्ट लाइन में क्या दिया, वाई, मतलब एक बार हम वाई बार देंगे, जीरो देंगे और एक बार वन देंगे, मतलब वाई देंगे, तो जब हमने वाई बार दिया तो मेरी ये वाली इनपुट सिलेक्ट होगी, ये वाली इनपुट मतलब जो पीछे से मेरे पास आई थी, मतलब ये वाली, तो जब हमने वाई बार दिया तो यानी मेरी ये वाली सिलेक्ट होगी, तो वाई बार इंटू ये वाली आपकी एज इट इज लिख लो, और जब हमने वाई वैल्यू दी मतलब वन वैल्यू दी तो मेरी इनपुट कौन सी सिलेक्ट होगी, वन वाली, मतलब एक्स वाली, तो प्लस एक्स वाई हो गया, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके आपका जो है वो फाइनली आंसर आ जाएगा। तो यहां पे x इसको मल्टीप्लाई कर दोगे y बार z बार प्लस y बार, और y बार क्या होगा, एक तरह से आप एक बार लिख दो इसको, y बार रह जाएगा प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब इन दोनों में से, इन दोनों में से आप क्या कर लो, इन दोनों में से x जो है वो कॉमन ले लो, तो जब मैंने इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बना, y बार z बार प्लस y, ठीक है, यहां से y आ गया और ये मैंने एज इट इज यहां पे लिख ली, मतलब y बार z जो है वो एज इट इज लिख दी। देन इन दोनों में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, y प्लस y बार और y प्लस z बार, और फाइनली x तो जो है वो मल्टीप्लाई में है ही बाहर, और ये एज इट इज लिख दो। अब ये देखो y प्लस y बार क्या होता है, 1 होता है, इसी वजह से हमने इसको ऐसे लिखा ताकि इसको और छोटा कर सके, मिनिमाइज कर सके, तो y प्लस y बार क्या हो गया, 1। अब यहां पे इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दो, एक तो एक तरह से खत्म ही हो गई, तो ये बन गया जी एक्स वाई प्लस एक्स जेड बार, एक्स वाई प्लस एक्स जेड बार प्लस वाई बार जेड, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक तरह से फाइनल आउटपुट ये वाली बन जाती है, तो ये आपके साथ मैच, किस कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रही है, एक्स वाई प्लस एक्स जेड बार प्लस वाई बार जेड, लो जी ए ऑप्शन के साथ मैच कर रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, ठीक है आपको पता लग गया कास्केडिंग है, ये गेट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दूं, हमने इन दोनों में से कॉमन लिया, ठीक है ना, पहली और तीसरी में से कॉमन लिया तब जाके मेरा ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। वैसे आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर हम पहली और दूसरी में से भी तो कॉमन ले सकते थे वाई बार को, हाँ जी आप वाई बार को कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हो, मिनिमाइज भी हो जाएगा, बहुत सही आंसर भी आएगा, वो भी आंसर सही है, लेकिन दिक्कत एक ही है कि आपका ऑप्शन जो है वो मैच नहीं करेगा, बाकी की कहानी सेम ही है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब ऑप्शन तब भी मैच कर जाएगा, लेकिन फिर आपको इसको भी फर्दर मिनिमाइज करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो जस्ट सिंपल सी कहानी है कि आप अगर गेट के क्वेश्चन को इस तरीके से कर रहे हो तो आपका ऑप्शन जो है वो ऐसे मैच कर जाएगा, अदरवाइज आपको मेन कहानी जो है वो पता लग गई कि कास्केडिंग मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू जी।